ये रिश्ते क्या कहलाता है में एक तरफ अभिरा मजबूर है जो युवराज उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में वो अरमान को नहीं बता सकती है, और वहीं अब जब वो खुद ब खुद अरमान की माँ को इन सारी मुसीबतों से दूर रखने का या पूरी पुदार फैमिली को इन सारी मुसीबतों से दूर रखने की वजह से युवराज से शादी करने के लिए हाँ कहती नजर आने वाली है, तो अब यही बात रूही तक भी पहुंचती नजर आएगी। रूही को पता लग जाएगा कि अरमान की माँ को उस गुंडे युवराज से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभिरा इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रही है, जहां पर अभिरा युवराज के साथ मौजूद होने के बावजूद भी सिर्फ यही प्रे करती नजर आने वाली है कि किसी भी तरह से ये शादी ना हो और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से युवराज को पुलिस अरेस्ट कर ले। क्यों? क्योंकि युवराज जेल से भागे हुए कैदी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें ढूंढ तो रही ही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी फैंस की, या तो रूही बिना अरमान को बताए सीधा अभिरा को बचाने के लिए पहुंच जाएंगी और कहीं ना कहीं उसके बाद अभिरा और रूही की दोस्ती तो पक्की है। चालिक लिस्ट आपस की छोटे रिश्ते क्या कहलाता है, लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चल रहे हैं, बाय बाय।